आई फिटनेस जिम के मैनेजमेंट ने मोटिवेशन प्रोग्राम रखा था अपने स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने वेट गेन किया, वेट लॉस किया और 100% जिनका अटेंडेंस रहा। सभी स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट देकर उनकी की गई मेहनत को अप्रिशिएट किया गया। इस मौके पर एमबी नगर के सर्कल इंस्पेक्टर चंद्रशेखर, फरताबाद के सर्कल इंस्पेक्टर राघवेंद्र और सभी सोशल मीडिया की टीम के साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट रियाज खतीब, रईस मौलाना और मन्नान मोल साहब के अलावा कई सारे सोशल एक्टिविस्ट मौजूद थे। साथ ही लेडीज जो वर्कआउट करते हैं इस जिम में, उन्हें भी मोटिवेट किया गया, उन्हें भी सर्टिफिकेट दिया गया। इस जिम के ऑनर अजीम शेख और आलमदार जैदी ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था ताकि यंग जनरेशन अपनी बॉडी को फिट रख सके और बुरी आदतों से बचे। आई फिटनेस जिम में 35% ऑफर भी रखा गया है 10 अप्रैल तक। अगर आप भी अपनी बॉडी को फिट रखना चाहते हैं और ऐसे ही मोटिवेट होकर सर्टिफाइड होना चाहते हैं तो डू विजिट आई फिटनेस जिम, टीपू सुल्तान चौक, रिंग रोड, गुलबर्गा। फिटनेस में सीखने का एडवांटेज क्या होता है? यहाँ आपको एक फ्रेंडली माहौल मिलता है। जब तक हम देखें, यानी एक एक बंदे को पॉइंट आउट किया जाता है कि भाई वो किस तरीके से एक्सरसाइज कर रहा है। और आज के दौर में अपनी बॉडी को फिट रखना इसलिए ज़रूरी है, जितना आपकी बॉडी फिट रहेंगी उतना आपकी उम्र दराज होगी। क्योंकि अनवांटेड चीज़ें आजकल मैं समझता हूँ 90% यूथ यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग सिगरेट, गुटखा, चाय, फिर कभी सोना नहीं, रातों में जागना, फिर ऐसे बहुत सारे हमारे एक्टिविटीज़ हैं। तो ये चीज़ों को खासकर अजीम इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि अजीम भी एक दौर से ये सब चीज़ों को देख चुके हैं। तो अजीम के फिटनेस में सीखने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? एक तो फ्रेंडली माहौल, और दूसरी चीज़ अजीम उन बारीकी चीज़ों को फोकस करते हैं जो यूथ आए दिन उसको इस्तेमाल करते हैं। यानी वो चीज़ को पहले तो अजीम का हमेशा से जिम खोलने से पहले अजीम हमारे सामने जिक्र कर रहे थे, बॉडी फिटनेस बनाना ही मेरा मकसद नहीं है, यूथ को अनवांटेड चीज़ों से जो यूज़ करते हैं उसे हटाना उनका बहुत बड़ा मकसद है। आई फिटनेस के जिम की टीम ने सोशल कामों को भी बहुत ज़्यादा अहमियत दी है, आप लोगों ने देखा है लॉकडाउन में, क्योंकि ये एक टीम हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल थी, रियाज खतीब, अजीम और जैदी की, जिनकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को एक ऐसा एग्जाम्पल मिला है कि भाई बॉडी फिटनेस के साथ साथ अगर अपने आप को कुछ कर दिखाना और लोगों की नज़रें और दिमाग में बिठाना है तो किसी दूसरे के लिए काम में आना वो बहुत बड़ी बात है। आप जिम करते हैं, फिर जाते हैं घर पे, थोड़े बहुत नशे भी करते हैं, मैं उनसे ये कहता हूँ नशा मत कीजिए, अब टाइम पे खाना खाइए और जो जिम वो करते हैं साथ साथ अच्छा भी काम कीजिए। मुझे खुशी होती है उस फंक्शन में जाने की जहाँ पे कुछ मोटिवेशन मिलता हो, कहीं कुछ लोगों का हेल्प होता हो रियली। जहाँ इन्होंने अभी इन्होंने बताया, हमारे जो एंकर साहब है उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ कोई कास्ट कम्युनिटी को कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, दैट इज़ द मेन मोटिव ऑफ दिस। मुझे इनको देख के बड़ी खुशी हुई कि उम्र का कोई ये नहीं है, कभी भी आप वेट घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बॉडी बना सकते हैं। एंड हेल्दी माइंड रेस्ट इन अ हेल्दी बॉडी। आप जब आपके बदन को हेल्दी रख रहे हैं तो उसके अंदर आपका जो माइंड है वो भी हेल्दी रहेगा। मतलब जब आपका बदन ठीक है, जिस्म ठीक है, काम ठीक से कर रहा है, कोई दूसरे परेशानियां नहीं है बदन में, तब अपने आप दिमाग भी अच्छा ही सोचेगा। कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी तो आप अच्छा काम करना भी चाहेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे।
पता नहीं कितने लोगों ने बॉडी का वेट कम किया है, लेकिन मैं उन लोगों का मैं रियली अप्रिशिएशन करना चाहता हूँ जिन्होंने अभी अभी बताया कि 100% अटेंडेंस उन्होंने दिया है। क्योंकि मैंने भी कभी एक बार सोचा न्यू ईयर में रेजोल्यूशन पास किया मैं भी जिम जाऊँगा, सारे कपड़े खरीद लिया। आपके बदन जितना परमिट कर सके आप उतना ही करें तो अच्छा है। क्योंकि हम लोग जब ट्रेनिंग में होते हैं, जब हमको रनिंग वनिंग करवाते हैं, तो आप भी हमको यही नसीहत दी जाती है कि अगर कहीं भी आपको लगे कि नहीं भाई आप को बस नहीं करना चाहिए, तो ज़रूर हमको वहाँ पर रोकना चाहिए। क्योंकि मेरे हाथ का हर एक का हाथ का जो पंपिंग का जो कैपेसिटी है हर एक का अलग है। एक बंदा 10 किलोमीटर से आराम 10 किलोमीटर तक आराम से दौड़ सकता है, लेकिन एक बंदा 100 मीटर भी सुस्त हो जाता है। उसका मतलब हाथ का जो बम्पिंग कैपेसिटी है उसका ज़्यादा नहीं है, उसको बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। एक ही बार में जैसे मैंने बताया एक ही दिन में सारे वेट उठा लिए, अगले दिन सो गए, कुछ लोग परमानेंट भी सो जाते हैं। एंड वेरी 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 ईगर टू अटेंड योर प्रोग्राम, मुझे बड़ी खुशी हुई। एनीवे थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टॉक टू ऑल ऑफ यू। मोटिवेशन की बात ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि आप खुद जिम कर रहे हैं, तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि नॉर्मल यंगस्टर्स जो है जो ज़्यादा वक्त अलग अलग जगहों पे गुजारे, से आपने बताया कि अलग अलग एक्टिविटीज़ के अंदर यंगस्टर्स गुजार रहे हैं, और आपकी बात 110% बिल्कुल सही है कि जिम में आने के बाद आपको गांजा शराब वो चीज़ तो दूर की बात है, हल्की सी जो मिठाई होती है उन सबको सेक्रीफाइस करना है। तो मेरी तरफ से आप सबके लिए जोड़ा तालियां भाई, बिकॉज आई थिंक जिम करने वाले जितने भी होते हैं एक वॉरियर होते हैं, एक जंग की तरह होती है उनकी आम जिंदगी भी, एक जंग की तरह होती है जहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक उन्हें सेक्रीफाइस करना होता है, फिर उसके बाद जिम में आने के बाद उन्हें वर्कआउट करना होता है। एक्चुअली मैं भी जिम करता था लेकिन थोड़ा बैक इशू की वजह से जो है मैं जिम ड्रॉप कर दिया, लेकिन जब भी जिम करता था आई हैड ए वेरी वंडरफुल फीलिंग। क्योंकि जिम करने के बाद जब भी आप कोई बाइसेप्स करते हैं ट्राइसेप्स करते हैं तो आप लोग शायद फील करते होंगे आपके ब्रीथिंग में एक पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि बॉडी के अंदर एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसकी तरफ से आपकी बॉडी बहुत पॉजिटिव होती है, आपके अंदर दिमाग में भी ख्यालात पॉजिटिव आते हैं। तो ये मैंने गौर करा है, और आप मतलब जिम वाले थोड़े शायद डोंट टेक मी रॉन्ग थोड़े एकदम अकड़ू किस्म के होते हैं क्या गुस्सा, लेकिन तकरीबन जितने लोग रहते हैं वो बिल्कुल स्माइल करने वाले हंसमुख बहुत ही पॉजिटिव बात करने वाले, उनसे अगर आप बात करें तो डबल मोटिवेशन आपको मिलता है। इस तरह के लोग मैंने जिम में देखे हैं। तो मेरी तरफ से और गुहैश की तरफ से मुझे यहाँ पर बुलाया गया, थैंक यू सो मच अजीम भाई एंड एंटायर टीम ऑफ आई फिटनेस। मैं सभी हमारे जितने भी लोगों ने वेट लॉस किया है या वेट गेन किया है मेरी तरफ से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। और साथ ही साथ यहाँ पर मुझे अभी पता चला कि आप लोगों ने इस जिम में वेट लॉस और वेट गेन के ताल्लुक से यहाँ पर आप लोग काम कर रहे थे, तो उसमें से आज यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर उनको सर्टिफिकेटों से भी नवाजा जा रहा है। तो आज का ये दौर ऐसा है, घर के बाहर हम निकल रहे हैं, गाड़ी पे बैठ रहे हैं, फिर गाड़ी पे से उतर रहे हैं, फिर गाड़ी पे बैठ रहे हैं, फिर घर को वापस आ रहे हैं, क्योंकि बॉडी एक्टिविटीज़ हमारी नहीं है। पहले क्या होता था, बॉडी एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती थी, हम जो खाना खाते थे, हम जो कैलोरीज इनटेक कर रहे थे तो उसको कैलोरीज बर्न होते थे, बॉडी एक्टिविटीज़ थी। हमारी बॉडी एक्टिविटीज़ नहीं रहने की वजह से हमारा वेट गेन होता है। उसी तरह से जो वेट जिसका कम है उनको अच्छे न्यूट्रिशन नहीं मिलने से, अच्छे खाना नहीं मिलने की वजह से वो अपनी बॉडी को ग्रोथ भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आई फिटनेस के ज़रिए से आप लोगों को एक न्यूट्रिशन का नॉलेज फर्स्ट दिया है, क्योंकि जब तक आप डाइट नहीं करेंगे, आपको प्रॉपर इंटेक नहीं लेंगे, आपको कैलोरीज डिफिसिट नहीं करेंगे, तो आप अपनी बॉडी के अंदर जो वेट है उसको लॉस नहीं कर सकते। पहली बार किसी जिम में तमाम लोगों को जो मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर सर्टिफिकेट देकर अप्रिशिएट किया जा रहा है उनको, और जिम करने के लिए यहाँ पर जो है एक ताकत मिलेगी इस चीज़ को देखकर। और जो दूसरे लोग हैं अभी जिस तरह से हमारे मोहसिन भाई ने कहा और गुलबर्गा टाइम्स 24 तमाम लोगों ने बात की, इनका ये बताना था कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं 15 दिन 8 दिन या महीना जिम कर अपने आप को जब बॉडी को देखते हैं, जब बॉडी में कुछ उनको फ़र्क नज़र नहीं आता तो जिम छोड़ देते हैं। तो वैसे लोगों को भी यहाँ पर मोटिवेशन मिलेगा कि और अगर मेहनत करेंगे तो ऐसे सर्टिफिकेट उनको भी मिल सकते हैं आई फिटनेस की तरफ से। ड्रग्स नशों की भी बात की गई, गुलबर्गा शहर में हम ऐसे कई न्यूज़ कवर करने हम जाते हैं तो बेहद अफसोस होता है हमको देखकर, 18 साल 16 साल 15 साल की भी नौजवान गांजा और दीगर नशीली चीज़ों को इस्तेमाल कर अपने साथ के खास दोस्तों को भी मर्डर करते हुए हमको देखने को मिलता है, बहुत अफसोस होता है उन चीज़ों को देखकर। तो आप जैसे लोग उनके लिए एक मोटिवेशन है,
आप अगर कितना मेहनत करेंगे तो वो लोग आपको देखकर भी शायद कुछ सीख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सब लोगों को मुबारकबाद देते हुए अपने दो अल्फाज ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अपने बाप की बॉडी को हाथ लगाने से डर रहा था, उस टाइम पे जाकर उस बॉडी को हॉस्पिटल से ले जाकर उसको सारे, अब जो हम देख रहे हैं हालात, पहले तो हमें एजुकेशन की कमी है हमारी कम्युनिटी में, और उसके बाद ये जो बच्चों में जो ड्रग्स का जो माहौल है, सिगरेट पीने का, 10th स्टैंडर्ड से लेके 7th स्टैंडर्ड से लेके उसके बाद वो गलत रास्ता पकड़ के शराब में, वो सब चीज़ गलत रास्तों में चल रहे हैं। अगर हमारे बच्चे जैसा स्पोर्ट्स है, जिम है, इस एक्टिविटी में आएंगे, और अजीम भाई जैसे जो बॉडी बिल्डर प्लस सोशल एक्टिविस्ट, ऐसे लोग जो है जिम खोल के ऐसा एक अच्छा, एक बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ एक सोशल एक्टिविटी भी करेंगे तो एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होंगे कोई भी सिटी में। एक हमारे कम्युनिटी में एक ड्रॉबैक है, अगर हमारे बच्चे जो है इरेस्पेक्टिव ऑफ जो भी है पॉलिटिकल पार्टीज, हम लोग एक कम्युनिटी, एक वेलफेयर के लिए और एक डेवलपमेंट के लिए हम ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह हमारी सोसाइटी कम्युनिटी आगे बढ़ सकती है। और ये जो भी जिम कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं और जो भी स्पोर्ट्स में हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सभी जो बच्चे हैं स्पेशली स्लम एरियाज के ऊपर भी काम करना है। एटलीस्ट हम वो जो बच्चे जिम एफर्ट नहीं कर सकते, एटलीस्ट उनको एफर्ट्स स्पोर्ट्स के लिए तो उनको इनक्रेज करना है। इतनी बात कहे कि मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मैं अजीम साहब को और उनकी टीम को काफ़ी मुबारकबाद देते हुए, और लास्ट में एक बात ये कहता हूँ कि जिम करना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर उसको मेंटेन रखना बहुत बड़ी बात होती है। कि कई लोग जो है ना 3 महीने 4 महीने जिम करते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, फिर वापस से अपने रूटीन में जो है ना सिगरेट गुटखा हो, आजकल तो जो है ना गांजे के नशे में काफ़ी नौजवान जो है ना मुब्तला हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जो भी लोग जिम करते हैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप कंटिन्यू जिम करते रहिए, अजीम भाई है आपके साथ, इंशाल्लाह आगे भी आपके साथ रहेंगे। शुक्रिया। तो हर कोई एक गोल लेकर चलते हैं, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं कि उसके बाद वो अपने गोल से भटक जाते हैं। 1-2-3 महीने एक्सरसाइज करते हैं, फिर उनकी बॉडी में उनको कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आता तो वो छोड़ देते हैं। तो हमको इससे डीमोटिवेट नहीं होना है, कंटिन्यू अपनी एक्सरसाइज पर फोकस करना है। यहाँ पर जो हम ट्रेनर हैं हमारे अजीम भाई, उनसे भी इंस्पायर होना चाहिए और उनसे भी नॉलेज लेना चाहिए, वो बहुत अच्छी से ट्रेनिंग देते हैं, यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं सबसे ये रिकमेंड करना चाहता हूँ कि यहाँ पर आइए और यहाँ से फैसिलिटी लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैं बताया था, जिम का जब भी नाम आता है तो जहन में हमारा फर्स्ट ये सवाल आता है कि फिटनेस, जिम यानी कि हम फिटनेस के लिए जा रहे हैं, अपना एक गोल है, चाहे वेट लॉस करने का गोल हो या मसल गेन करने का गोल हो या वेट गेन करने का गोल हो, यही सॉरी मैं गोहेश के हमारे भाई ताहिर अब्बास साहब का भी वेलकम करता हूँ, ज़ोरदार तालियां इनके लिए भी। डिसिप्लिन इस तरीके से हमें सीखने को मिलती है, जैसे कि आप आई फिटनेस में आते हैं तो आई फिटनेस का एक रूल्स है कि आपको जो शूटिंग आती है, आपको जो पसीना आता है वर्कआउट करने का, उसको साफ करने के लिए आपको तावेल कंपलसरी लेकर आना है। इससे हमें डिसिप्लिन ये मिलता है कि हम जो बेंच पे या बेंच प्रेस कर रहे हैं, चेस्ट प्रेस कर रहे हैं, या हमारा जो भी वर्कआउट चल रहा है, जो हमारा पसीना किसी बेंच को लगता है तो हम उसे साफ कर देते हैं। ये हमारा डिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन ये है कि हमारा पसीना किसी और को ना लगे, ये हमें जिम से सीखने को मिलता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो सब्र, जो हमें सब्र, जो धैर्य, जो हमें सीखने को मिलता है कि जैसे कि हम पूरे फंक्शन ट्रेनर जिम में, सभी मेरे स्टूडेंट को पता है कि कितना बिजी रहता है फंक्शन ट्रेनर मशीन, कोई वर्कआउट कर रहा है ट्राइसेप के टाइम पे भी यूज़ करो, चेस्ट के टाइम पे भी यूज़ करो, शोल्डर के टाइम पे भी यूज़ करो, वार्म अप के लिए भी यूज़ करो, आप सभी जानते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा कोई दूसरा मेंबर वर्कआउट कर रहा है तो हम वेट करते हैं, उससे पूछते हैं और कितने सेट है भाई, 2 है, ठीक है कर ले मैं जब तक वो मार गया। तो ये हमें सब्र सीखने को मिलता है। तो यानी कि जिम में बहुत सारे ऐसे चीज़ें, और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा, जो हमारे पूरे भाई मीडिया के भाई जो हमने नोटिस कराए कि हमें गलत चीज़ों से बचना है, बहुत दूर की बात थी गांजा सिगरेट ड्रग्स, मैं बताना चाहता हूँ जो जिम के अंदर जो पूरी तरीके से घुस जाता है वो ज़बान को अच्छी लगने की चीज़ भी हमें सेक्रीफाइस करनी है। हमें सेक्रीफाइस ये करनी है, ऑयली जो गर्मा गर्म पकौड़े, जो ऑयली जो तेल में तले जाते हैं, उन चीज़ों से गुजरते हुए उसकी स्मेल लेते हुए हम बर्दाश्त करके हमें निकलना पड़ता है। आज अचीव किया है, इसको एक आने वाले 3 महीने में 4 महीने में एक एम बनाए, उसी तरीके से उसी डेडिकेशन से रोज़ जिम को आकर वो अचीव करें। इंशाल्लाह मैं आज के दिन पे ये अनाउंस करता हूँ
कि आने वाले कुछ ही महीनों में आई फिटनेस जिम की जानिब से एक बहुत बड़ा बॉडी शो नीचे आई फिटनेस के जिम के नीचे होने वाला है। उसके लिए मेरी दिली ख्वाहिश है कि आई फिटनेस के जिम के हमारे जो स्टूडेंट है उसके लिए रेडी होना, उसके लिए तैयार होना। और आज इस शो के मौके पर यह भी एक बात मैं आज अनाउंस करता हूँ, यहाँ से लेकर आने वाले 10 दिन तक आई फिटनेस में 30-30% का हम डिस्काउंट भी देने वाले हैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, ताकि लोग और मोटिवेट हों। और जिस तरीके से हमने पिछले बार भी जो लोग जिनके सर जिनके फैमिली नहीं है, जिनके फादर नहीं है, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन है, उनको विदाउट कोई फीस भी हम यहाँ पे आई फिटनेस जिम में उस तरीके के स्टूडेंट को भी लेने का काम हम करते आए हैं। और इस बार भी जो 10 दिन का ऑफर होगा इसमें भी वो काम करेंगे। मैं फिर एक बार आप सभी का शुक्रिया अदा करते हुए मेरे इस जिम के पार्टनर जनाब अलमदार जैदी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हर हमारे डिसीजन पे कुछ भी हो, जिम में कुछ भी चेंज करना हो या कुछ भी लेकर आना हो, कुछ भी करना हो, एक फ़ोन पे आप जैसा चाहे वैसा करो, पूरी खुली छूट दी हुई है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ।